तो अभी हम लोग हैं मसूरी गेटवे अपने रिजॉर्ट पे, ये रही गाड़ी और ये है इनका पार्किंग एरिया। अच्छी पार्किंग एरिया यार, से अराउंड 12 गाड़ियाँ या 14 गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी इसमें। ये मेन रोड है ऊपर, तो वहाँ से ये दिख रहा है आपको ट्रैफिक जाते हुए, सो वहाँ से नीचे आ कर के ये रास्ता है इनके आने का। इसके अलावा एक छोटा सा बैठने का एरिया इन्होंने यहाँ भी बना रखा है, तो ये भी अभी आपको मैं नीचे जब जाऊँगा तो दिखाता हूँ। एक्चुअली होटल जो है ये टॉप डाउन अप्रोच पे बना हुआ है, तो सबसे ऊपर पार्किंग है, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है एंड यहाँ पे हमारा रूम है टुवर्ड्स दी एंड जाकर के, अभी वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। एंड नीचे का भी एक एरिया है जो जिसमें कॉमन एरिया है, एंड ये सीटिंग वाला एरिया था जो मैं आपसे अभी दिखा रहा था। ये एरिया जो इनका आई थिंक रेस्टोरेंट एरिया है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस, सो बूफे सिस्टम ही मोस्टली ये रखते हैं। एंड ये सीटिंग एरिया है सारा। ये नीचे वाले रूम्स की तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ से अंदर जा कर के, जैसे ऊपर का आपने देखा था सिमिलर फैशन में, नीचे जो आप देख रहे हो ये सारे रूम्स हैं, सिमिलरली रूम ऊपर भी बने हुए हैं। सो हमने जो बुक किया था वो टॉप का रूम किया था, एट दी एंड वहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ आर रूम। एंड ये नीचे कॉमन एरिया इन्होंने ऐसे बना रखा है, नीचे में बालकनी या वैसा कुछ नहीं दिया है। एंड दिस इज़ द व्यू जो आपको मसूरी गेटवे में मिलता है, एंड पर्सनली आई थिंक अ गुड प्लेस। एंड व्यू जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से सामने। अब चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ अपने रूम में और दिखाता हूँ रूम कैसा है। यहाँ से ऊपर रिसेप्शन एरिया था जहाँ से भी हम आए थे, फिर ये वाला फर्स्ट फ्लोर का है, एंड यहाँ से हम नीचे गए थे जहाँ पे अभी आपको मैंने व्यू दिखाया और कॉमन एरिया था। एंड ये इनकी लॉबी है, तो चलो आपको दिखाता हूँ हमारा जो रूम है। सो ये रूम, ये वॉशरूम एरिया, आई थिंक क्वाइट वेल डन। ठीक है यार मेरे लिए एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहाँ भी आप रूम बुक कर रहे हो वहाँ का वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस। एंड हेलो, ये मैं वीडियो बनाते हुए, एंड ये हमारा बेड है, ये साथ में इन्होंने एक वर्किंग डेस्क भी दिया है साथ में, एंड टी कॉफ़ी के सेशंस भी हैं, प्लस इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। सो आपको एक इससे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन चीज़ों के। एक ये अपने बैठने के लिए, हाँ भाई ये मेरा नहीं है, ये इन्होंने अपने आप ही दिया था। ठीक है, उसके बाद व्यू जो है बालकनी का वो ये है। नीचे वाला एरिया था जहाँ पे मैं था, जहाँ से आपको भी मैंने सब दिखाया, एंड दैट इज़ दी रेस्टोरेंट एरिया जो उनका है। एंड दिस पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू, आप यहाँ पे आना चाहो तो आ सकते हो, बिकॉज रेट्स आर रीजनेबल, फूड इज़ एट अ रीजनेबल प्राइस व्हाट आई हैव सीन। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है तो वो नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, बट टेस्ट कैसा है उसका, बट आई थिंक रेट्स आर वेरी रीजनेबल। थर्ड इज़ ये कॉम्प्लीमेंट्री मॉल रोड के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, सुबह 8 से रात के 10:30 के बीच में, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। आई थिंक दैट इज़ अ गुड गेस्चर फ्रॉम देयर एंड आई मीन बिकॉज अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ट्रैफिक में आप दोबारा फंसना नहीं चाहोगे मॉल रोड में, एंड पार्किंग नहीं ढूंढना चाहोगे आप, एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहता हूँ। सो दैट वॉज, इट इज़ अ गुड प्लेस।